दामाद वाला ड्रेस में कितना क्यूट लग रहा है ना, बहुत क्यूट लग रहा है ना। और बीबा ने ना क्या पकड़ा पता है, कलम पकड़ा। कलम पकड़ने का मतलब है बहुत, मतलब पूरा टाइम लेके इनके लिए अरे ये है ना, ये अंकिता का मम्मी ने दिया ग्लास छोटा सा और छोटा। बेटो 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 मजा आओ। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर, इतना सारा खीर इसीलिए बना रहा हूँ, ना विवान का अन्नप्रशन है। और हमारे उधर बांग्लादेश में अन्नप्रशन जो होता है ना 7 मंथ को 8 मंथ को 6 मंथ को होता है, तो विवान का फिलहाल 5.5 महीना चल रहा है, मतलब 6 मंथ रनिंग है। वैसे तो गुजरात में सब अन्नप्रशन कुछ होता नहीं है, बट हमारे उधर उज्जवल है तो थोड़ा बहुत कुछ करना है, ज़्यादा जस्ट 10% कुछ करना है। तो अभी कुछ बनाऊंगी और अन्नप्रशन में कुछ खाना पीना भी कुछ रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बांग्लादेश की चीज़ें बनाऊंगी, आलू दम बनाऊंगी पोटेटो का, मतलब उसको आलू की सब्जी, और पूरी बनाऊंगी, बांग्ला में उसको लूची बोलता है। और यह बनाऊंगी पायस, बांग्ला में उसको पायस बोलता है, हिंदी में उसको खीर बोलता है। ये बनाऊंगी, मतलब मैं ही रेडी करूंगी सब कुछ और मंदिर में जाके पूजा दूंगी, छोटा करके करूंगी अभी। वो भी मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं इतना क्वान्टिटी में कभी खाना बनाया नहीं, मतलब 10-20 लोगों का खाना मैंने कभी एक साथ में नहीं बनाया, मतलब बोल सकते हो इतना बड़ा तकलीफ भर के मैंने कभी भी सब्जी नहीं बनाया, तो इसको भर के आधा सब्जी बनाना है। तो यहाँ पे 5 किलो दूध, और 5 किलो दूध में यहाँ पे राइस है 250 ग्राम। ये राइस है पुलाव राइस जो बांग्लादेश से लेके आई थी वो वाला। यहाँ पे तो किसी को अन्नप्रशन के बारे में पता नहीं, किसी को मतलब किसी को नहीं, जो भी करना है मुझे करना है। हाँ, तेज पत्ता डालना है इसमें, मैं तेज पत्ता डालती हूँ। तुम्हें पता है अन्नप्रशन का पता है? नहीं, दादी कान भी नहीं सुनता इसीलिए हाँ बोल रहा है, दादी को नहीं पता अन्नप्रशन क्या होता है, इसीलिए सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, मम को भी नहीं पता। और यहाँ पे है किशमिश, वॉश कर लिया सब कुछ। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ, मेरी तबीयत 15 दिन से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब वायरल फीवर हो गया यार। मतलब एक बार बॉडी में फीवर आते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब डाउन हो जाते हैं, मुझे चक्कर भी आने लगा था, और अच्छे से खाना भी खा नहीं पाता, कोई भी खाने का टेस्ट अच्छे से नहीं आते। तो मुझे ना बेबी का अन्नप्रशन करने का बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था, पहली कारण इसीलिए बिकॉज यहाँ पे किसी को अन्नप्रशन के बारे में पता नहीं है, सेकेंड कारण इसीलिए हमारा रिचुअल हमें पता चलता है क्या करना है क्या नहीं है। बट मेरी दीदी ने मुझे कॉल करके बोला क्या क्या करना है, दीदी ने बोला तुझे मैं बोलता है ऐसे ऐसे कर, ठीक है ना, भगवान को बस पूजा दे दे, बिकॉज बांग्लादेश में होता है, मतलब बंगाली लोगों का ट्रेडिशन होता है अन्नप्रशन करना, और बेबी को सिक्स मंथ में और 8 मंथ में अन्नप्रशन होता है, इसका एक डेट रहता है, टाइम रहता है, इसके बिना नहीं हो सकता। तो बेबी का 6 मंथ हुआ नहीं कम्प्लीट अभी तक, 15 दिन बाकी है, बट अभी क्या ना इस महीने में कंप्लीट मतलब अन्नप्रशन करना पड़ेगा, बाकी 7 मंथ जब स्टार्ट होगा तब नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोला चलो कर लेते, तबीयत खराब है और फिर भी सब कुछ मुझे ही करना होगा, और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था क्या ना तबीयत खराब है तो अगर एकदम से काम करते करते ना कर पाओ तो फिर मम्मी को कुछ भी नहीं पता क्या करना है क्या नहीं है। तो फिर आज थोड़ा तबीयत अच्छा लग रहा था, मैं बोला कर लेते आज ही, वैसे तो कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, फिर भी मतलब काम तो करना पड़ेगा ना, सब कुछ मुझे करना पड़ेगा, मम्मी को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता क्या करना है क्या नहीं, बिकॉज बांग्लादेश का ट्रेडिशन है, बांग्लादेश का काम है। तो मैं बोला थोड़ा सा खाना भी बनाऊंगी सबको, थोड़ा सा खाना भी खिलाऊंगी, गांव से लोग आएगा कम से कम दोपहर का खाना तो खाएगा ना, और मैं बहुत बराबर करके प्लान करता सबको, फ्लैट को सबको खिलाने का प्लान किया था, बट ऐसा करने के लिए ना आपको मतलब दूर से कोई चाहिए, अकेला अकेला कर नहीं सकते, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी खाना भी बनाना पड़ेगा सबको खिलाने के लिए, और मम्मी को कुछ भी नहीं पता, तो इसीलिए मैं बोला चलो जैसा हमारे घर घर का फ्लैट में बस मैं प्रसाद के हिसाब से देख के आऊँगी, मंदिर में जो प्रसाद दूंगी वही देख के आऊँगी, और खाना के लिए बस हमारे घर घर का होगा और कोई नहीं, बिकॉज बंगाली लोग सबसे पहले खाने का सोचता है, इसलिए मैं भी सोच रहा था। मैंने खाना बना लिया और किसी तरह रेडी हो गया, बेबी को भी नहाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और अन्नप्रशन में क्या ना बेबी, अन्नप्रशन में क्या है ना, मामा है ना फर्स्ट टाइम बेबी को मुंह में अन्न डालता है, और बेबी किसी को पहचानता नहीं है ना, तो इसलिए रो रहा है,
मेरी भाई तो यहाँ पे नहीं है, तो आदमी के मामा के लड़का लोग आया है, मतलब मेरी वो भाई होता है रिलेशन में, तो इसीलिए किसी को पहचानता नहीं है तो रोता है। मैं सब कुछ रेडी कर रहा हूँ यहाँ पे, वैसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, नहीं मिलता, जो भी है मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रहा। और यहाँ पे बेबी को नहाने के लिए दूध चाहिए, फ्लावर चाहिए, सब ले लेता हूँ। वीवो ये गुलाबी गुलाबी सफेद ऊपर पीनू कॉफी हो ला दूध वाला ला तो ये मजा आ वीवो ये वीवो એને પાણીમાં નહીં ગમતું એને પણ આ બધું નાનો ને ખબર ઓછી પડે છે કે આમાં છતરી થાય આમાં રમાય એ પેલો મોઢામાં એક ડાલ ડાલ તો દૂસરે નીકળ દેતા હે પેર ખીદા ગયા એક ડાલ તો દૂસરે નીકળ દેતા હે પેર ચપ ચપ રહો ज्यादा तंग नहीं करना मम्मी को एक धोती पहनना बहुत मुश्किल के काम होता है। हाँ तुम क्या समझोगी और बेबी सो गया है देखो, और बहुत अच्छा सो गया है। नहाने के बाद ही रोता था सोने के लिए, और सोया है तो मैं अभी डिजाइन कर देता हूँ उसको, और जागते तो बिल्कुल भी करने नहीं देते। यही चंदन चंदन से डिजाइन करना है बेबी को, और बेबी के लिए ना टूपी लेना था। बांग्ला में मोटुक बोलता है बेबी बॉय और बेबी गर्ल, कोई भी अन्नप्रशन होता है ना उसके टूपी चाहिए होता है, बट कहीं पर भी नहीं मिला मुझे, मतलब ऑनलाइन में कोई भी स्टोर में मुझे नहीं मिला। तो चलो जो भी है, नहीं मिला तो क्या कर सकते, कम से कम ड्रेस तो मिल गया है। विवान के लिए खील लेता हूँ, क्या ना उसका अन्नप्रशन मतलब विवान के लिए सब कुछ है। वाह कितना अच्छा हो रहा, देखो अन्नप्रशन है तो अन्नप्रशन में सबसे पहले खीर खाना चाहिए बेबी को। सब कुछ रेडी हो गया। अरे ये है ना, ये अंकिता का मम्मी ने दिया ग्लास छोटा सा, और छोटा सा चामिस और बटकी। अरे यहाँ पे सब ले लिया नारियल का लड्डू बड्डू, और यहाँ पे प्रसाद ले लिया हलवा,
विवन यहाँ पे सो गया है। विवन पूरा बंगाली दामाद जैसे लग रहा है और यहाँ पे विवन का सब रेडी है और उधर जाके दिखाते हैं मंदिर में। सामने मंदिर में जा रही हूँ, घर के पास मंदिर में। विवन तो देखो सो रहा है सो रहा है पूरा। मैं तो गाड़ी का रहा हूँ। गई मंदिर में, हमारे घर के पास ही मंदिर बिल्कुल। और ये वाला मंदिर में ना बहुत सारा भगवान जी है, कृष्ण जी के पास ही विवन के नाम पे पूजा दूंगी। और विवन देखो नींद से उठ भी गया है और उसका नींद 2 मिनट कैसे भी बाहर आया तो नींद उड़ गया। तो दीदी ने मुझे बोला था क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ अच्छे से समझा दिया था मोबाइल में फोन करके मुझे। तो 5 आम पत्ता लेना है, एक साथ में ज्वाइंट होने वाला फ्लावर लेना है, फिर है ना ये धान देके है ना, धान मतलब राइस का जो होता है वो नीचे रखना है, फिर है ना गॉड को रखना है, तो पानी का जो लोटा उसको रखना है। बट धान तो यहाँ पे मिलता ही नहीं है तो मैंने गेहूँ रखा। और फिर खीर रखना है, बेबी को खिलाना है, दिया जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, बेबी को बैठाना है, फिर माला पहनाना है, ऐसा करना था। बट मुझे ऐसा कुछ करने नहीं दिया। ब्राह्मण जी ने बोला लाओ दिया लाओ, मैं अंदर रख देता हूँ, अंदर जला देती हूँ। एक्चुअली ब्राह्मण जी को भी पता नहीं कैसे पूजा करते, पहले बोल रहा था मुझे, मुझे पता नहीं पूजा कैसे करते हैं, हमने कभी अभी वाला पूजा नहीं किया या पे ऐसा पूजा कोई करता नहीं है। तो मैंने बोला चलो कम से कम भगवान जी के पास तो पूजा हो रहा है, मतलब कृष्ण जी के पास पूजा हो रहा है, हमारा रिचुअल ना भी होकर चलेगा लेकिन पूजा तो हो जाएगा विवन का नाम। और दूसरी चीज क्या है ना, हमारा उधर कोई भी पूजा हो ना तो उल्लू देना पड़ता है, जुकार देना पड़ता है, उल्लू मतलब पता है ना उल्लू ऐसा वाला साउंड करके देना पड़ता है। या पे ऐसे करूंगी तो सब लोग हंसने लगेगा। और बेबी को फर्स्ट टाइम मामा का गोदी में बैठ के खाना मतलब खीर खिलाना पड़ता है। तो ब्राह्मण जी को मैंने बोला आप चलो आप खिला दो और मैं सुनील भाई का बोला आप आ जाओ आप बैठ के फिर उस बेबी को लो। वैसे तो क्या बताओ सब कुछ उल्टा पलटा ही हो रहा है, तो कम से कम ये तो ठीक ठाक हो जाए। और विवन फर्स्ट टाइम कुछ अलग खाने वाला है और वो ना मतलब नींद से उठ गया तो बहुत अच्छा हुआ। देखो देख ही रहा है, मतलब नया कुछ ट्राई कर रहा है तो हाँ कर लिया खाने के लिए। और मैं तो सोचा था खाएगा ही नहीं लेकिन वो खुद खा ही लिया है, मतलब उसको बहुत अच्छा लगा होगा। और फर्स्ट टाइम कुछ चीज उसे मुंह के सामने दिया ना तो आ करके खा ही लिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा दिख के। और चलो कम से कम अभी बेबी का जो भी है भगवान के सामने पूजा तो हो गया है, अभी राइस सिरप नहीं बोल सकते, कुछ भी बोल सकते उसको। और मैं ब्राह्मण जी को प्रसाद दे दिया, जो पकेगा, जो मिट्टी है, पैसा है, भूख है, करो तो हो गए है रिचुअल कंप्लीट बेबी का अन्नप्रशन का राइस सेरेमनी। और बेबी ने देखो क्या पकड़ा है, पेन पकड़ा है। एक्चुअली सबका अलग अलग मीनिंग होता है। वैसे हमारे उधर अन्नप्रशन का टाइम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं सब लोग। इसमें क्या ना बेबी के सामने प्लेट में क्या ना मिट्टी पैसा बुक्स और पेन और रस्सी रखना पड़ता है, जो भी पक रहे सबका अलग अलग मीन होता है। तो बेबी ने पेन पकड़ा है तो मैं सबको नारियल के लड्डू दे रहा था प्रसाद। और क्या रहा सब लोग बोल रहा था बंगाली बंगाली प्रसाद सबको बोल रहा था, बिकॉज यहाँ पे कोई ना ऐसा लड्डू टाइप का कोई नहीं बनाते, ऐसे थोड़ा मेहनत भी लगते बनाने में। और यहाँ पे फ्रेश नारियल के लड्डू कोई भी नहीं बनाते, मैं अभी तक किसी को दिखा नहीं बनाता हुआ। और मैं
खुद से फर्स्ट टाइम साड़ी पहन के आई मैं और आद्रिक। देखो दोनों ने कपल ड्रेस मैंने तो बहुत शौक से लिया था, बट एक भी फोटो शूट नहीं किया था। जल्दी जल्दी पता नहीं इतना जल्दी था क्या ना, मामा लोगों को मैं बुलाया था आने के लिए बेबी का अन्नप्रशन के लिए, बिकॉज बेबी का अन्नप्रशन में मामा चाहिए। तो ये लोग गाँव से बस कुछ टाइम के लिए आया था, शाम को चले जाने वाला है दोबारा, मतलब 4 बजे चले जाने वाला है, इसलिए सबको जल्दी जल्दी कम्प्लीट कर लिया। और आद्रिक को भी थोड़ा काम है, इसीलिए क्या है ना मैं साड़ी तो पहनना मुझे आती नहीं है, फिर भी मैंने साड़ी पहन ली। और जब भी मैं साड़ी पहनता हूँ अंकिता का मम्मी मुझे साड़ी पहना के देती है, बट आज मैं टाइम ही नहीं मिला जो नीचे जाओ साड़ी पहन के आओ, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं बोला आती हूँ करके मंदिर में आ गई। अभी काम तो सब निकल गया, अभी ना साड़ी अच्छे से पहन के भी क्या करूँ। और बेबी को है ना बहुत क्यूट लग रहा था, एक भी फोटो शूट नहीं किया अच्छी तरह से, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। पता नहीं कुछ भी करने जाओ ना तो टाइम जब कम होता है तो कुछ अच्छे से कर नहीं पाते, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो चीज़। और आदमी हाथ तक का अन्नप्रसन्न हो गया है, ये बार अभी सब खाना बना खा सकता है। ठीक है, रंगे तो बाहर ही था, अंदर आया ही नहीं। नास्तिक, नास्तिक बोलते हैं। हाँ मैं तो चल के जाने वाला हूँ। कोई नहीं आप अकेले ही जाओ, नींद से उठा के तो उसको वरना प्रोसेस कर लिया। पहले जाके उसे कपड़ा चेंज कर देना। धूप में देखो ना पूरा लालू लालू हो जा रहा है। और बीबन देखो दामाद वाला ड्रेस में कितना क्यूट लग रहा है ना, बहुत क्यूट लग रहा है ना बीबन। हम चल के घर पे आ रही हूँ, और आज धूप भी बहुत ज्यादा है। और बीबा ने ना क्या पकड़ा पता है, कलम पकड़ा। कलम पकड़ने का मतलब है बहुत, मतलब पूरा टाइम लेकेंगे। और पैसा पकड़ते ना तो पैसा वाला बनता, भूख पकड़ता तो मतलब वही पढ़ाई वाला ही होता, और मिट्टी पकड़ता तो मिट्टी का अंदर प्यार ज़्यादा होता। चलो हमारे कैमरा मैन आगे आया था। चलो घर पे आ गया है हम लोग, अभी जाके से कपड़े चेंज कर देंगे, बहुत धूप है बाहर बहुत। विपन देखो कैसे बैठ रहा है, अभी कपड़ा चेंज कर दे रहा है उसका, क्या ना अभी बहुत गर्मी है, कपड़ा चेंज कर देता हूँ बीबू का। अच्छा 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 मम्मा का पचा चो। यहाँ पे बना रहा है पूरी, अभी खाने का बाकी है, हम फ्लैट में सबको दे के आएंगे, पहले बना देने दो। आद्रिक खा के चला गया, ऑलरेडी ऑफिस में चला गया है। मेरी विवन क्या कर रहा है, विवन खेल रहा है मामी के पास, उसको है ना पहचानता नहीं है ना, तो रोते है बहुत ज्यादा है। कौन महिला है, महिला गीला है, चलो रहने दो। तो मैं और पूनम भाभी आ गई हमारे फ्लैट में सबको प्रसाद देने के लिए, तो मैं बोला चलो हम खाना खाने के पहले उन लोगों को प्रसाद दे के आ जाते। वैसे तो मैंने प्लान किया था सबको फ्लैट का जितने भी लोग हैं सबको हमारे घर पे बुलाऊंगी खाना खाने के लिए, और इसके लिए तो मतलब मेरी दीदी होता तो अच्छा रहता। मेरी दीदी ने मुझे बोला था बेबी का अन्नप्रशन के पहले अगर मैं अहमदाबाद में आऊँगी ना तो सबको बोला ना मैं घर पे खाना बना बनाऊँगी, क्योंकि दीदी है ना मतलब आइडिया करके बना सकते हैं, मतलब 4-5 आइटम बनाना होता है बहुत ज़्यादा, 20-25 लोगों का खाना मैं नहीं बना सकती अकेला, तो मम्मी को तो बनाना नहीं आती पहले मैं बोला, तो इसीलिए मैंने कुछ प्लान किया नहीं, जस्ट मैंने प्रसाद दे के आ गई सबको। और मैंने हमारे घर के लोगों के लिए जितना खाना बनाया था ना, जितना सब्जी बनाया था, इसको आलू दम बोलते हैं बांग्ला में,
क्या बताऊँ, मतलब 70% सब्जी मुझे फेंकना पड़ा। यहाँ पे लोग इतना सब्जी कम खाते हैं, मुझे पहले से पता था कम खाता है, लेकिन ये जो सब्जी है ना थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा चाहिए होता है, फिर भी इतना मतलब इतना सा सब्जी मुझे फेंकना पड़ा। बहुत ही कम खाते हैं, सब्जी खा ही नहीं पाते, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने मेरे हाथ का खाना तो खाया है, और भी अच्छा लगता पूरा प्लेट को खिला पाती तो जो भी है, मेरी खुशी के लिए मैंने इतना सा किया। मेरी तबीयत ख़राब था, फिर भी मैंने ट्राई किया करने के लिए, और अच्छा सा वीडियो शूट कर नहीं पाया क्योंकि दूसरा कोई वीडियो शूट कर रहा था। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए टाटा बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय।